नमस्कार। मध्य प्रदेश वर्चुअल क्लासेस की ओर से, मध्य प्रदेश शासन की ओर से, प्रशासन एकेडमी में बैठकर प्रभाकांत द्विवेदी आज की कक्षा में पधारे हुए, आज की कक्षा में आने वाले समस्त छात्र छात्राओं तथा साथ में टेक्नीशियन स्टाफ और शिक्षकों का स्वागत करता हूं। बिल्कुल मेरे सामने पीजी मक्सी इंदौर बड़वानी छिंदवाड़ा झाबुआ हरदा टिमरनी हरदा टिमरनी हरदा के बच्चे बड़े फास्ट आ रहे हैं। बिल्कुल बच्चों बैठ जाइए, आपको एक जाना पहचाना चेहरा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इस चेहरे का नाम है सभाकांत द्विवेदी और आप सभी बच्चों से हम कुछ डिस्कशन, कुछ बातें जो पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं उन्हीं बातों को आगे बढ़ाएंगे। मंडला के बच्चे दिख रहे हैं, बुरहानपुर बहुत बढ़िया, पूरी क्लास भरी हुई दिख रही मुझे यहाँ से। तो बच्चों जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ वो भी समझें कि वो भी मेरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्रशासन एकेडमी बैठ करके बच्चों मैं आप सभी को, मेरे पास करीब 30 कॉलेजेज को मैं यहाँ से देख पाता हूँ, सबको एक साथ नाम लेने में तो घंटे लग जाएंगे, मैं बीच बीच में आपको बुलाता रहूँगा। सबसे पहले मैं आपसे आज एक जनरल चर्चा करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे किस लिए आए हैं, व्हाई यू आर हियर। जितने भी बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, जितने बच्चे मुझे दिख रहे हैं, वो अपने मन में सोचें कि क्यों आए हैं, व्हाई यू आर हियर। आप जिस जगह बैठे हैं वहाँ क्यों बैठे हैं, इसको आज से नहीं हमेशा से जरूर सोचिएगा। ये सोचने का प्रश्न है, मैं आंसर बताता हूँ, आप लोग उस आंसर को बताएं। सर हम लोग यहाँ पे अवकल समीकरण की समस्या और उसका समाधान, प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस पे चर्चा करने के लिए आए हैं। अवकल समीकरणों को हल करेंगे और उसके हल में क्या क्या समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। बेसिकली जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मेरे लिए समस्या रहती है, मैं उसको प्रॉब्लम के रूप में लेता हूँ बच्चों, और उस समस्या के समाधान के लिए, फॉर सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, मैं कोशिश करता हूँ। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण आपके लिए समस्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए प्रॉब्लम टू यू, आपके लिए प्रश्न है अवकल समीकरण। इस अवकल समीकरण को हल करने के लिए आप, अगर हम आपको पीछे ले चलें तो 11th 12th 11वीं और 12वीं में थोड़ा थोड़ा आपको सिखाया गया। 12वीं पास करके आप बीएससी में आते हैं, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में मैंने ही कुछ बच्चों को सिखाया था, कुछ बच्चे अपने आप सीख लिए थे, दोनों तरफ से, आप अपने से सीख लें या मैं सिखाऊं, बराबर। जब सेकेंड सेमेस्टर में आपको सिखा दिया गया तो थर्ड सेमेस्टर में अवकल समीकरण क्यों सिखा रहे हैं बच्चों, मैं पहले क्लियर बता दूं, अवकल समीकरण कितने प्रकार के होंगे कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसा है, हजारों प्रकार के अवकल समीकरण होंगे, उसके सलूशन को देने के लिए हजारों प्रकार के मैथमेटिशियन ने कोशिश की है, उन्हीं कोशिशों में से कुछ हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। चलिए तो हम जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर में सीखते हैं वो अवकल समीकरण सीखने के लिए आगे बढ़ें, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में सहायक समीकरण और विशेष समाकलन की मदद से, विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, हम लोगों ने सोल्यूशन किया था। बच्चे सोचे कि चलो ठीक है, अब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन आने लगा, अब अपनी जान बची, नहीं बच्चों,
थर्ड सेमेस्टर में जब आप आए हैं तो आपकी जान फिर से फंस गई, क्योंकि यहां पर अवकल समीकरण को हल करने के लिए सीरीज मेथड या घात विधि प्रयोग करना पड़ेगा। कल एक बच्ची ने मुझसे पूछा था कि सर घात विधि के अलावा कोई और सरल तरीका है। मैंने बताया भी था कि हाँ बच्चा वो तो है, लेकिन वो सेकेंड सेमेस्टर और ट्वेल्थ और इलेवंथ 11वीं कक्षा 12वीं कक्षा बीएससी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर अगर आपको पढ़ना है तो मुश्किल काम करना है। बच्ची तैयार हो गई, ठीक सर सेकेंड ईयर में है, अब फर्स्ट ईयर में तो हम जाएंगे नहीं, चलिए मुश्किल काम करते हैं। उस मुश्किल काम को हम लोग थोड़ा देखें, सभी लोग कापी खोल चुके हैं, कुछ बच्चे भी आ रहे हैं, कापी खोल लें, मुश्किल काम बहुत तेजी से बढ़ेगा। अवकल समीकरण की परिभाषा जिनकी कापी में नहीं लिखा है वो अपनी कापी में लिखें, जिनकी कापी में लिखा है वो उसको देखें और समझें कि हम जानते हैं। हाँ बिल्कुल, खंडवा के बच्चों की, खरगोन के बच्चे दिख रहे हैं मुझे, खरगोन के बच्चों की कॉपी में लिखा हुआ दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ें, इसको हम कहते रिकाल, जिसको हम लोग आज रिकाल कर लिए, आगे बढ़ें। अवकल समीकरण परिभाषा हो गई, एग्जाम्पल आ जाएंगे। ये देखिए इन उदाहरणों को ध्यान से अगर देखेंगे, इफ यू विल ऑब्जर्व दीज एग्जाम्पल देन यू विल फाइंड कि हाँ थोड़ा सा कल की क्लास की तुलना में आज का एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, थोड़ा मुश्किल होगा, नहीं मुश्किल तो नहीं होगा, बड़ा जरूर दिखेगा आपको। ओके, तो आप इसको बड़ा देखें, दूसरा एग्जाम्पल नोट करें और तीसरा एग्जाम्पल नोट करें। नोट करें, दीज आर एग्जाम्पल्स, दीज आर प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स टू लर्न टूडे। आज इन समस्याओं को सीखने के लिए हम लोग बैठे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी से आग्रह है, आप सभी को निर्देशित किया जाता है, सभी बच्चों को, कि ये चारों क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिखें, आराम से नोट करें, हमें कोई जल्दी नहीं है, जल्दी आपको होनी चाहिए। सर आपने एक साथ ही लिख दिया इसलिए परेशानी हो रही है, तो चलो चार नंबर हटा देते हैं, तीन नंबर तक लिख लो, जब तीन नंबर हो जाएगा तो चार नंबर ला देंगे। हमारे पास सारी टेक्निक है, जो आप कहोगे हम वही ला देंगे। ये लिए चार नंबर, सर चार नंबर भी, बिल्कुल चार नंबर आ गया आपके सामने, आप देखें ये चार समस्याएं हैं, इनका सलूशन आप चुटकी बजा के, यूं चुटकी बजाएंगे साल्व हो जाएगा, लेकिन उस चुटकी बजाने के पहले आपको कम से कम 20 मिनट मुझे सुनना पड़ेगा। नहीं सुनना है सर आपको, कोई बात नहीं है, मत सुनिए, मैं कहाँ कह रहा हूँ, आप अपने बोर्ड के स्क्रीन को देखते रहिए, उस पे जो दिखे उसको लिखते जाइए। जब आप कॉपी में लिखेंगे तो खुद आप देखेंगे कि आप कॉपी में क्या लिखे हैं, तो मुझे मत देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ मैटर देखें और उसको कॉपी में नोट करते जाएं। अरे सर ये तो पिछली क्लास का है, बिल्कुल क्लास है, घात श्रेणी आपकी कॉपी में लिखा होगा, इसलिए हम तेजी से बढ़ाएंगे इसको कि ऐसी श्रेणी जो नए बच्चे हों देख लें। ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है हमने हटा दिया, फिर ला दिया, ये लो, ये जो लिखा हुआ है अभी अभी आया आपके बोर्ड पे, इस लिखावट को या इस व्यंजक को या इस एक्सप्रेशन को घात श्रेणी कहते हैं। इसमें एक्स पे घातें लग रही हैं इसलिए इसको पावर सीरीज इन एक्स कहा जाएगा, एक्स की घात श्रेणी है जो आप लोग जानते हैं। इस घात श्रेणी को लीजिए, आप लोग जानते हैं नहीं जानते सर, लिख लीजिए, लिख लीजिए, बच्चे का हाथ उठ गया, घात श्रेणी को लिख लें। इस घात श्रेणी को बच्चों आपको मैंने दो क्लास में समझाने की कोशिश की, समझाया, पढ़ाया, लिखाया, क्वेश्चन दिया, आपने ढेर सारा काम किया। अब इस श्रेणी को अगर हम कहें श्रेणी आती कहां से है, फ्रॉम वेयर दिस इनफाइनाइट सीरीज कम्स, यह अनंत श्रेणी, यह अनंत घात श्रेणी कहां से आती है, तो कोई ना कोई बच्चा तो बता ही देगा कि सर ये कहां से आती है। एक बच्चा बताया कि सर भोपाल में डॉक्टर सभाकांत द्विवेदी हैं, वो बोर्ड पे लिख देते हैं वहीं से आती है। नहीं बच्चों, डॉक्टर सभाकांत द्विवेदी घात श्रेणी नहीं लाते, ये तो आपको बताते हैं। अगर आपको थोड़ा सा याद आए, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, मैक्लारिन नाम के एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, मैक्लारिन, मैक्लारिन ने
घात श्रेणी को कॉन्सेप्ट दिया था। उसी बार उसके बाद उनको देख करके टेलर महोदय आए, जी अब टेलर, अरे वो टेलर नहीं जो आपकी शर्ट सिलते हैं यार, कुछ बच्चे कह रहे हैं अच्छा अच्छा सर तो हमारे मोहल्ले में रहता है, नहीं वो टेलर नहीं, ही वॉज ग्रेट मैथमेटिशियन, गणितज्ञ थे। तो आपने पढ़ा होगा मैकलारिन श्रेणी और टेलर श्रेणी, जो मैकलारिन और टेलर ने श्रेणी बनाई थी उसी को हम अनंत श्रेणी या अपने सिंपल भाषा में कहें तो घात श्रेणी उन्होंने बताई थी, और उसको हमने सिखाया भी था आपको ई पावर एक्स की घात श्रेणी मैकलारिन ने बताई, ई की घात माइनस एक्स की घात श्रेणी मैकलारिन ने बताई, साइन एक्स साइन एक्स साइन थीटा कास थीटा जो होता है बच्चों उसकी घात श्रेणी मैकलारिन ने बताई, और हम दो दिन तक जो आपसे पढ़ते रहे वो सारा काम मैकलारिन की घात श्रेणी में होता रहा। बच्चों जैसे आपको देख करके थर्ड सेमेस्टर में जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप बाहर निकलते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को लगता होगा कि मैं भी थर्ड सेमेस्टर में जाऊंगा तो इसी तरह पढ़ूंगा, दूसरे बच्चों को लगता होगा सेम पैटर्न पे एक दूसरे मैथमेटिशियन आए, नाम उनका अब आ गया फोबिनियस, अंग्रेजी में FRO, हिंदी में इसको फोबिनियस कहते हैं, ये मैथमेटिशियन का नाम है, जैसे टेलर मैकलारिन लाप्लास। फोबिनियस ने घात श्रेणी में थोड़ा सा सुधार करके एक नई श्रेणी बनाई जिसका नाम हुआ फोबिनियस श्रेणी, फोबिनियस सीरीज। क्या सुधार किया होगा आप लोग सोच सकते हैं, हम देख सकते हैं आपको दिखाएंगे। फोबिनियस श्रेणी की डेफिनेशन ये देखिए, श्रेणी रहेगी अनंत श्रेणी, अटेंशन प्लीज, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि जो घात श्रेणी आपने देखी है, जो घात श्रेणी दो दिन से आपने पढ़ी है, उस घात श्रेणी में फोबिनियस ने क्या सुधार किया कि एक नई श्रेणी बना दी, ये देखिए। अगर देख पा रहे हैं तो देखें, यक्स पे एक घात लगा दी है, उस घात का नाम होता है रो, रो कहते हैं RHO, एक्स की घात रो मल्टीप्लाइड इन समेशन फ्रॉम 0 to infinity AnXn। अगर आप ध्यान दें तो मैं और आगे ले चलूं आपको, एक्स पावर रो को अंदर कर दिया इन्होंने, अंदर कर दिया तो हो गया An मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर रो प्लस एन। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आप समझ गए होंगे कि मैकलारिन की श्रेणी जो हमारे पास है, जो हमारे पास घात श्रेणी है, उस घात श्रेणी में एक्स की घात रो का गुणा कर दिया। एक्स तो हमें पता है कि ये चर है, रो क्या है एक बच्चे ने पूछा अभी अभी, ये ले बता देते हैं, एक्स की घात रो से A0, A1, A2, An एंड सो ऑन श्रेणी में हम मल्टीप्लाई कर दें। अगर एक्स की घात रो को हटा दें तो सिंपल पावर सीरीज होगी या घात श्रेणी होगी, एक्स पावर रो लगा रहेगा तो फोबिनियस सीरीज होगी, इस कार्ड फोबिनियस सीरीज। बच्चे ने पूछा कि सर ये रो क्या है, वेयर रो क्या है, तो रो एक रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे कोर्स में रियल नंबर बोले तो रो की वैल्यू 1, 2, 3 हो सकती है, रो की वैल्यू 1/2, 1/3, रो की वैल्यू 5/4 कुछ भी हो सकती है रो। तो ये फोबिनियस ने हमें एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि हमारे पास जो घात श्रेणी या जो पावर सीरीज हमारे पास है, उस पावर सीरीज में एक्स की घात रो का गुणा कर दें, पूरी सीरीज में देखिए दाहिने तरफ एक्स की घात रो। हमारे क्लास में बैठे सभी बच्चे समझ गए कि फोबिनियस श्रेणी और घात श्रेणी में क्या डिफरेंस है, दिख गया, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, घात श्रेणी आप लोग जानते हैं, ई पावर एक्स वही पुराना, ई पावर द सेकेंड एग्जाम्पल
वही ई पावर माइनस एक्स आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, ये इसीलिए मैंने ऊपर लिखा घास श्रेणी। अगर ई पावर एक्स में किसका गुणा करें बच्चों? हाँ बोलिए बोलिए, एक्स पावर रो का, तो एक फोबीनियस सीरीज हो जाएगी। आगे बढ़ें, तीसरा एग्जाम्पल आपको याद होगा साइन एक्स, ये हमने इसीलिए बोर्ड पे लिखा हुआ है कि घात श्रेणी है। इस घात श्रेणी नंबर चार, एग्जाम्पल चार जो दिख रहा है इसको भी देखें, बताओ इसको आपको घात श्रेणी को फोबीनियस श्रेणी बनाना है तो क्या करोगे बच्चों? ये भिंड से बच्चा है, बच्चियां देख रही, बच्चा भी देख रहा है, इसमें हमें एक्स की घात रो का गुणा कर देना पड़ेगा, जो हम आगे करके आपको बताएंगे। आगे बढ़ें, सीरीज सॉल्यूशन, फोबीनियस मेथड। अभी तक सीरीज सॉल्यूशन पावर सीरीज मेथड था, अब ये फोबीनियस सीरीज मेथड आ गया, फोबीनियस मेथड। आइए क्वेश्चन, क्वेश्चन आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, शायद वही क्वेश्चन है। यस, क्वेश्चन नंबर वन, एक्स स्क्वायर इंटू डी टू प्लस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? हाँ, बिल्कुल सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? फोबीनियस मेथड ऊपर लिखा हुआ है, पावर सीरीज मेथड या दूसरे मेथड जो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आगे सीखेंगे, उनको नहीं लगाना है। आज की क्लास में फोबीनियस मेथड हम डिस्कस करेंगे आपसे। आइए, जैसा हमेशा से होता है, सोल्यूशन का पहला स्टेप गणितीय मान्यता, y इक्वल टू एक्स पावर रो मल्टीप्लाइड इन समेशन ए एन एक्स एन इक्वल टू समेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ए एन इंटू एक्स पावर रो प्लस एन इज बी ए सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन वन। कल भी वही करते आए थे, आज भी वही कर रहे हैं, डिफरेंस देख लेना बच्चों। कल की बात में एक्स पावर रो नहीं था, आज एक्स पावर रो बढ़ गया है, और ये आपको आगे परेशान न करे, इसलिए समीकरण नंबर दो को ध्यान से देखें। कल के समीकरण और आज के समीकरण में पावर सीरीज और फोबीनियस मेथड का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को सीरियसली देखें। देख लिया सर, नोट भी कर लिया, बस लिखना सबसे जरूरी है। जैसे नोट करते हैं तो हम बोर्ड साफ कर देते हैं, बोर्ड साफ किया तब अब आप समझ गए होंगे हमें क्या करना होगा। आप भी करके बताएं, डी वाई डी एक्स निकालें, डिफरेंशिएट करें। जो समीकरण नंबर दो है उसका अवकलन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स की घात रो प्लस एन है, फार्मूला लगेगा, रो प्लस एन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एक्स के साथ, और एक्स की घात रो प्लस एन से एक कम, रो प्लस एन माइनस वन हो जाएगी, जो समीकरण नंबर तीन आया। अच्छा, ये कहाँ के बच्चे हैं भाई? पीजी भिंड, ये काहे के लिए आए हैं? सुनने आए हैं, पंडित जी का प्रवचन नहीं हो रहा है बच्चों? भिंड के टीचर टेक्नीशियन से आग्रह है कि बच्चों को कॉपी और पेन प्रोवाइड करें, जिससे बच्चे कुछ लिखें। आगे बढ़ें, सेकंड डेरिवेटिव, इसको ये देखिए, अभी अभी आ रहे हैं, बिल्कुल भाई उतारो बच्चों, जल्दी से कॉपी पेन निकालिए। समीकरण नंबर चार बनाने में क्या किया बच्चों? हाँ, ये बात रही, खंडवा के बच्चे जो है और टिमरनी हरदा, ये लोग भी बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। समीकरण नंबर तीन को फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, समीकरण नंबर चार बना। डिफरेंशिएट करने में वही बात होगी, ए पावर एन, ए एन कांस्टेंट है, रो प्लस एन कांस्टेंट है, अलग हो गया, एक्स पावर रो प्लस एन माइनस वन को डिफरेंशिएट करेंगे
तो रो प्लस एन माइनस वन सामने आएगा, मल्टीप्लाई होगा और एक्स की घात रो प्लस एन माइनस वन से एक और कम हो जाएगी, मिलेगा एक्स पावर रो प्लस एन माइनस टू, समीकरण नंबर चार। अगर इस तीन और चार समीकरण को देखेंगे तो कल जो आपने पढ़ा पढ़ाया था उसी के जैसा है। वहां पर एक्स की घात कुछ और हुआ करती थी क्योंकि वो पावर सीरीज थी, यहां पर एक्स की घात बदल गई है। क्यों बदली है? हाँ बोलो, क्यों बदली है बताइए, किसने दिया ये घात? इस घात को दिया फ्रोबेनियस ने, इसलिए नंबर तीन और नंबर चार में एक्स की घात और एक्स के गुणांक में परिवर्तन हुआ है। आगे बढ़ जाएं, वही पूरा पुराना घिसा पीटा किस्सा, वही कहानी, वाई वाई डैश वाई डबल डैश मीन समीकरण दो तीन चार से। मान रखिए समीकरण नंबर एक में हमने पहले चार से मान रखा, फिर हमने तीन से मान रखा, फिर हमने समीकरण दो से मान वाई का वाई डैश का वाई डबल डैश का समीकरण एक में रख दिया। हमारे सभी बच्चों ने रख लिया, हाँ रख लो बच्चों ये मान, एक्स स्क्वायर रहेगा, वाई डबल डैश की वैल्यू चार नंबर से वहां पे रख दो, इंटू एक्स एक्स रहेगा, वाई डैश की वैल्यू तीन नंबर से रख दिया और प्लस एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू समीकरण नंबर दो से रख दिया। अब ये समीकरण नंबर एक नया समीकरण हमने बनाया। एक दो तीन चार, चार समीकरण हैं। समीकरण एक मान्यता से शुरू होता है, मानते हैं, सपोजिशन है, एजम्पशन है। समीकरण एक दिया गया है, सॉरी समीकरण नंबर एक दिया गया है, समीकरण नंबर दो मान्यता है, समीकरण नंबर तीन और चार उसके डिफरेंशिएशन है, अवकलन है जो आप पढ़ चुके हैं, और अब इन मानों को हम एक में रख दिए, मिल गया। आगे आप समझ गए होंगे, एक्स की विभिन्न घातों को इकट्ठा करें, पहले बोर्ड साफ किया जाए, बोर्ड हो गया साफ, छूट गया, ये लो बताओ तो छूट गया सर, हाँ जो छूट गया उसको लिख लो, बच्चे ने हाथ उठा दिया कहाँ से कि सर छूट गया, छूट गया तो अच्छा ओके हो गया, चलिए बोर्ड साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर अंदर आया सब मल्टीप्लाई हो करके, यहाँ पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, एक्स की पावर रो प्लस एन के साथ कितने गुणांक लगे हुए हैं, ए एन, फिर करली ब्रैकेट मझला कोष्टक, रो प्लस एन, रो प्लस एन माइनस वन प्लस रो प्लस एन, एक्स की पावर रो प्लस एन के गुणांक हुए। अगला गुणांक ए एन एक्स पावर रो प्लस एन प्लस टू इक्वल टू जीरो, उसी को थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया, समीकरण जो हमने मान रखे थे, ये समीकरण एक में मान रखने पर समीकरण एक में दो तीन और चार समीकरण से मान रखने पर ये समीकरण बोर्ड पे आएगा। कैसे आएगा सर? सारे रास्ते आपको बता दिए गए हैं, आप इसको नोट कर, नोट कर लिया, ये देखिए आ गया, इसको और सिंप्लीफाई करिए, ये आया, आप देख रहे होंगे रो प्लस एन, रो प्लस एन दो जगह दिख रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे तो रो प्लस एन माइनस वन प्लस वन बच जाएगा, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, रो प्लस एन का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये जो है ए एन एक्स पावर रो प्लस एन प्लस टू इक्वल टू जीरो। ये कैसे आया बच्चों? ऊपर से हमने रो प्लस एन कॉमन लिया तो ये रो प्लस एन माइनस वन प्लस वन होकर के रो प्लस एन का स्क्वायर होगा। वही कहानी आगे बढ़ी, एक्स की विभिन्न घातों के कोफिशियंट को जीरो करने पर, इक्वेटिंग टू जीरो दी कोफिशियंट्स ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ एक्स, वही कल का तरीका, वही पुराना तरीका,
एक्स की विभिन्न घातों के गुणांकों को जीरो करिए। अब आप करके बताइए, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, कापी दिखाएं, भिंड के बच्चे अभी भी बैठे हुए हैं, कापी में कुछ लिखो बच्चों, तब काम चलेगा। केवल बैठने से नहीं, छिंदवाड़ा के बच्चे लिख रहे हैं, उनकी कापी दिख रही है, झाबुआ में भी बहुत फास्ट काम कर रहे हैं बच्चे। पहला कोफिशियंट मैं बता देता हूं, ये लो, ए को जीरो, एन को जीरो रखा, क्या रखा बच्चों, एन को जीरो, एन को जीरो रखा तो ए जीरो मिला, और जब ऊपर आप एन को जीरो रख दोगे तो रो प्लस एन, एन मीन जीरो, रो प्लस जीरो तो रो जीरो, जीरो तो रो स्क्वायर हो गया, तो ए जीरो इन पहला कोफिशियंट। दूसरा, अरे बच्चों एन को वन रख दो, वन रखोगे जब तो ए वन आया, रो प्लस वन आया, उसका होल स्क्वायर आया, जीरो हो गया। नहीं आया सर समझ में, कैसे समझाएं बच्चों को? ऊपर समीकरण में जहां एरो लगी हुई है वहां पर लेफ्ट साइड के एक्सप्रेशन में एन को जीरो रखा तो ए जीरो रो स्क्वायर इक्वल टू जीरो आया, एन को वन रखा तो रो प्लस वन होल स्क्वायर ए वन आया। एंड एन को एन माइनस टू और एन से रिप्लेस करने पर जो कोफिशियंट होगा एक्स पावर रो प्लस एन, फिर से ध्यान रखें, एक्स पावर रो प्लस एन का कोफिशियंट पाने के लिए आप दिख रहा है ए एन रो प्लस एन होल स्क्वायर, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा रो प्लस एन माइनस टू रखने पर भी एक्स पावर रो प्लस एन मिल रहा है, तो इसका कोफिशियंट ये हमने बोर्ड पे आपके सामने दिखाया। इसको देखते ही आपकी समस्या हल हो गई। क्या हल हो गई समस्या? आगे बढ़ जाइए, बोर्ड साफ करिए, आगे बढ़िए। रो स्क्वायर इक्वल टू जीरो, पीछे देखें भाई, दो का रो स्क्वायर इक्वल टू जीरो बता रहे हैं, ए जीरो रो स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो रो स्क्वायर इक्वल टू जीरो कर दिया, ए वन इक्वल टू जीरो आ गया, और ए एन इक्वल टू माइनस दाएं बाएं ले आए, माइनस ए एन माइनस टू अपॉन एन स्क्वायर। क्यों? रो को जब जीरो कर दोगे तो ये आपके सामने बोर्ड पे जो दिखा है ये आ गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ें, ध्यान रखें ए वन जीरो आ रहा है, ए वन इज जीरो, रो इज जीरो, एंड ए एन इज माइनस ऑफ एन माइनस टू अपॉन एन स्क्वायर, एन की वैल्यू दो से बड़ी होनी चाहिए। पढ़ाते हैं, हेंस आठ कोफिशियंट आर जीरो। देखो ए वन जीरो है, ऊपर में किसमें, एक बार बता देते हैं, ये जो हम बार बार ये आया, फिर से लाएं, हाँ ये जो ब्लिंक कर रहा है इसमें एन की जगह थ्री रखिए, जब एन की जगह थ्री रखेंगे तो ए थ्री आएगा, ए थ्री आया और इधर हो गया थ्री माइनस टू वन, ए वन आ गया, ए वन जीरो है तो ए थ्री जीरो हो गया। इसी को हम इस तरह से लिखे हुए हैं, ए वन इक्वल टू ए थ्री इक्वल टू ए फाइव इक्वल टू ए सेवन इक्वल टू जीरो, सारे ऑड कोफिशियंट्स ए वन ए थ्री ए फाइव ए सेवन वो ऊपर के हेल्प से जीरो हो रहे हैं। चलिए अब अगर हम ए एन में एन को टू रखेंगे तो आप देख रहे हैं ए टू इक्वल टू माइनस ए जीरो अपॉन टू स्क्वायर, एन को टू रख दो भाई बच्चों, फिर एन को फोर रख दो, रखो रखो अपने से रख सकते हो यार, अपने से रखिए, एन को फोर रखेंगे तो माइनस ए टू अपॉन फोर स्क्वायर, ए टू की वैल्यू बगल में रखी है उसको रखोगे तो ए जीरो अपॉन टू इंटू फोर स्क्वायर। नोट करें इसको,
आ गया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ें, बोर्ड साफ करके फिर वही कहानी आएगी। क्या आएगी? ये तो आपके पास है ही, A2, A4, A6 निकाल दिया हमने, आप भी निकाल लें। A6 कैसे निकलेगा? हाँ बोलिए, n की जगह 6 रख दो तो -A4/6² आएगा। फिर A4 की वैल्यू रख दोगे तो -A0/2², 4², 6² एंड सो ऑन, ये आता जाएगा। इन्होंने कहा कि सब जगह A0 A0 है तो A0 को -1 ले लिया है, टेकिंग लिखा है बच्चों। अगर कोई बच्चा A0 को 1 ले ले तो उसकी अलग कहानी बनेगी, कोई A0 को 2 ले लेगा तो उसकी अलग कहानी बनेगी, कोई A0 को 5 ले लेगा तो उसकी अलग कहानी हो जाएगी। सब बच्चे एक्सपर्ट हैं, हमने सुविधा के लिए A0 को -1 ले लिया है। क्या मिलेगा? रख दीजिए वैल्यू, A0 को -1 लेने पर Y1 जो पहला सोल्यूशन मिलेगा, A0 इज -1, देन -A1 इज 0, A2 इज -A0/2², तो बनेगा X²/2², A3 0 आ चुका है, A4 की वैल्यू बोर्ड पे दिख रही है, A0/2² 4², A0 को 1 ले लिया, -1 ले लिया, X²/4² 4² आए। आगे बढ़ते चले जाएंगे, A5 0 होगा, बहुत बढ़िया। A6 की वैल्यू बोर्ड पे लिखी हुई है, उस वैल्यू को आप रखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तीन डाट हमने लगा दिए हैं, ठीक है, इसका फार्मूला बना दिया, सीरीज फार्म में सामने बोर्ड पे सीरीज लिखी हुई है, प्लस माइनस सीरीज में है, इसलिए इसको -1/n लिखा गया। x की घात 0 है, फिर x की घात 2 है, x की पावर 4 है, मीन्स इवन नंबर्स पावर में हैं, इसलिए x की पावर 2n ऊपर आया। नीचे आप देख रहे हैं 2 है स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, बढ़ते चले जाएंगे 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ए एक हल हुआ। अब थोड़ा कल के कंपैरिजन में आज को आगे बढ़ना पड़ेगा, बढ़ जाइए आगे, वही Y1 जो आपकी कॉपी में लिखा हुआ, ए इज वन सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, समीकरण 1 का एक हल आपके कॉपी में आपके बोर्ड पे आ चुका है। अब जो ये सोल्यूशन आया बच्चों, ये कह रहे हैं कि सोल्यूशन को कुछ नाम रखेंगे, दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड, मेन कहानी यहां आएगी बच्चों, कहां पे? इस सोल्यूशन का नाम क्या है, जो Y1X मिला है इसका नाम बताइए। लखना दौन सिवनी के बच्चे मुझे दिख रहे हैं, इसका नाम ये लो, बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0, ये लिखिए, शून्य घात का बेसल फलन कहलाता है। Y1X जो बोर्ड पे लिखा गया है, जो समीकरण को सॉल्व करने पर मिला है, उसका नाम अगर आप चाहें तो मैं हटा दूं। अब बताइए ये जो सोल्यूशन मिला है, देखिए फिर से, इज वन सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, इसका नाम क्या है, दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड, क्या नाम है बच्चों? बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0, शून्य घात का बेसल फलन, हिंदी में लिख लो, बेसन मत लिख लेना, नवरात्र में बेसन के लड्डू बनाए वो नहीं चलेगा, बेसल वाज मैथमेटिशियन, जैसे टेलर, मैकलारिन मैथमेटिशियन थे, उसी तरह से फोबिनियस मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के समय में बेसल भी एक मैथमेटिशियन हुए, BESSEL, उनका नाम बेसल है, और उन्होंने Y1 को अपना फंक्शन 0 घात का कहा। 0 क्यों कहा?
क्योंकि रो की वैल्यू जीरो आ चुकी है, तो रो इक्वल टू जीरो लेने पे जो मिला उसको बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर जीरो कहते हैं। नाम नोट कर लें, क्योंकि याद रखें, अटेंशन प्लीज सभी श्रोता और वक्ता ध्यान दें, इस लेक्चर के तुरंत बाद आपको बेसल फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, बेसल का समीकरण और बेसल का फलन, बेसल फंक्शन पढ़ना पड़ेगा अगली क्लास में। बेसल फंक्शन आया कहाँ से है ये हमने अभी अभी आपको बता दिया, आप भी जान गए कि एक समीकरण था, उसको फ्रोबेनियस मेथड से हल कर रहे थे, जो उसका सलूशन आया था उसको हमने बेसल फंक्शन कह दिया, बेसल ने दिया था इसलिए बेसल फंक्शन कहलाता है। इसको नोट कैसे करते हैं, जे कैपिटल जे जीरो ऑफ एक्स, जीरो मतलब घात के लिए, जीरो घात का है तो जे जीरो ऑफ एक्स। ये भी पता होना चाहिए कि बेसल फंक्शन को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शॉर्ट में साइन एक्स कॉस एक्स लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को शॉर्ट में e पावर माइनस एक्स लिखते हैं, उसी तरह से बेसल फंक्शन को जे जीरो ऑफ एक्स लिखते हैं। आपने लिख लिया, आगे आपको अगली क्लास में अगले के पेज, अगर किताब पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते सर बहुत अच्छा काम करते हैं, किताब नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं नहीं बच्चों किताब पढ़ेंगे तो आगे के पेज में बेसल फंक्शन आपको मिलेगा, आप अभी से पहचान लिए हैं, अब आपको समस्या नहीं करेगा। आगे बढ़ें थोड़ा सा, क्या बढ़ें, सेकंड, अब आगे की कहानी थोड़ा सा बच्चों ये मुश्किल कहानी है, इस कहानी को हम ज़्यादा डिटेल नहीं कर पाएंगे, इसका एक दूसरा सोल्यूशन निकाला जाता है, वाई टू, वाई वन निकाल लिया, वाई टू के लिए फार्मूला है, नोट कर लें इस फार्मूले को, आया कहाँ से कैसे आया, फिर कभी कहानी होगी तो बताएंगे, अभी तो आप नोट कर लें कि ये सेकंड वाई टू जो है, लिख लें लिख लें, विच इज नोज है न्यूमैन फंक्शन, ये न्यूमैन भी आ गए, न्यूमैन फंक्शन ऑफ ऑर्डर जीरो डिनोटेड बाई वाई जीरो एक्स, इसको आप नोट कर लें, बहुत ज्यादा डिस्कशन का इसमें पॉइंट नहीं है, जैसे बेसल एक मैथमेटिशियन है उसी तरह से न्यूमैन भी एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बेसल फंक्शन की हेल्प से एक नया फंक्शन डिफाइन किया जिसको वाई जीरो एक्स कहते हैं, नाम दिया गया न्यूमैन फंक्शन ऑफ ऑर्डर जीरो, और यह समीकरण एक जो हम लेके चले थे उसके हल से मिलता है। नहीं लिख पाए क्या बच्चे, लिख लिया, बस शॉर्टकट में लिख लो न्यूमैन फंक्शन, दो मैथमेटिशियन आपके सामने आ चुके हैं, बेसल एंड न्यूमैन, क्लियर कर दूं, बेसल आपको अगले क्लास में मिलेंगे, अगले पेज अगर किताब के पलटाएंगे तो बेसल मिल जाएगा, न्यूमैन अभी आपके सिलेबस से काफी दूर है, जब आप एमएससी में आएंगे तो न्यूमैन मिलेंगे आपको, चलिए एमएससी में बाद में आएंगे, अभी यहाँ की बात कर, अब आपकी मैं वो देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाएं, थोड़ा स्पीड में आएं, लिख लिया क्वेश्चन नंबर टू, हाँ क्या लिखा, आपको कुछ दिख रहा है, मेरे बोर्ड पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, अरे क्वेश्चन नंबर टू ये आ गया, देखिए लेट हो गया तो थोड़ा उसको तो कहा कि मैं दौड़ के आता हूँ, वो दौड़ के आ गया, जैसे बच्चे लेट हो जाते दौड़ के आते हैं, तो जब लेट हो जाता हमारा कंप्यूटर जी जब लेट कर देते हैं तो दौड़ा के पहुंचा देते हैं कि दौड़ो दौड़ो लेट हो रहा है। ये देखो भिंड के बच्चे हंस रहे हैं कि सर हम भी लेट थे, हम भी दौड़ रहे थे, बिल्कुल दौड़ना चाहिए, इफ यू आर लेट हरी अप प्लीज, अगर आप लेट हैं तो दौड़ें, जैसे कुछ चीज छूट गई है लेट हो गए हैं तो दौड़ के लिख लिया, पर जल्दी 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 चलें। अरे मेरे बच्चों समीकरण नंबर एक में अगर आप ध्यान देंगे तो दाहिने तरफ बराबर के बाद जीरो नहीं फोर एक्स है, इस समीकरण को हल करना है, लिख लिया क्वेश्चन, चलिए सोल्यूशन की वही कहानी राम कहानी, थोड़ा स्पीड से लिखेंगे, ज्यादा मुझे बताना समझाना न पड़े, आप समझदार बच्चे हैं। नहीं सर हम कहाँ समझदार हैं, नहीं नहीं आप लोग बहुत समझदार हैं बच्चों, बीएससी करने वाला मैथमेटिक्स वाला बच्चा होशियार होता है यार, हमने भी मैथमेटिक्स ही पढ़ी है इसीलिए मैं कहता हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ के आए तभी ना हम अपने आप को होशियार कहेंगे, आप लोग भी अपने आप को कहा करोगे हम बड़े होशियार लोग हैं। चलिए ये जो है समीकरण में दाहिने तरफ फोर एक्स लिखा हुआ है, इसलिए नॉन होमोजीनियस असमघात रैखिक समीकरण, नाम लिख लें इसका, यह समीकरण असमघात
समघात, असम मणिपुर मेघालय वाला घात लिख लो। चलो भाई, असमघात रैखिक समीकरण है। असमघात रैखिक समीकरण को दो तरह से हल करते हैं, या दो तरीके से असमघात हल किया जाएगा। पहला सीएफ, जिसको अंग्रेजी में प्रॉब्लम है, उनके लिए पूरक फलन। अरे सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया था यार, पूरक फलन। और दूसरा पीआई, विशेष समाकलन। वी विल फाइंड सीएफ एंड पीआई। हम लोग इस समीकरण नंबर दो के, क्वेश्चन नंबर दो के हल को पाने के लिए दो चीजें निकालेंगे। कौन कौन सा? सीएफ और पीआई। ये दोनों चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, लेकिन वो जो पढ़ाया गया था वो फार्मूला था। फार्मूला यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको दौड़ना पड़ेगा। दौड़ने का मतलब है, आप समझ गए होंगे, यहाँ पे सीरीज की बात होगी। चलिए थोड़ा दौड़िए। सीएफ कैसे मिलेगा? इक्वल टू जीरो कर दो। आप जानते हैं पूरक फल पाने के लिए इक्वल टू जीरो लगा दो, दाहिने तरफ जीरो कर दो, समीकरण वही रहेगा, दाहिने तरफ जीरो। फोबीनियस मेथड लगा दो। लगाया सर, लगाइए लगाइए जल्दी से फोबीनियस मेथड। ये दिख रहा है मुझे, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, उसको मान लो वही है। अब क्या करेंगे? अरे डिफरेंशिएट कर दो। सोलूशन है समीकरण, इक्वेशन ए का समीकरण नंबर दो सोलूशन है। अब आगे क्या करेंगे? आप जानते हैं, बोर्ड साफ करेंगे, बोर्ड साफ करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डीवाई डी एक्स। दौड़ा क्या है, दौड़ क्या गया बेचारा। डीवाई डी एक्स आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, जो अभी क्वेश्चन नंबर इक्वेशन समीकरण तीन था। आप लिख सकते हैं शॉर्टकट में कि अवकलन करने पर हमें समीकरण तीन और समीकरण चार प्राप्त होते हैं। इसे लिख लें शॉर्टकट, अवकलन करने पर समीकरण तीन और समीकरण चार प्राप्त होते हैं। लिखो लिखो समीकरण तीन और चार, जो पहले लिख चुके थे क्वेश्चन नंबर एक में, जो नहीं लिखे थे वो इसको लिख लें। अब क्या करेंगे? वही बात फिर लिख दीजिए। समीकरण तीन, चार और दो से मानों को समीकरण ए में रखने पर क्या मिला? देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स समेशन दिस ए एन रो प्लस एन माइनस वन रो प्लस एन माइनस टू प्लस थ्री एक्स माइनस वन समेशन ए एन रो प्लस एन एक्स पावर रो प्लस एन माइनस वन। ये आपने लिखा हुआ है, समीकरण में मान तो रखना रहता है। समेशन ए एन एक्स पावर रो प्लस एन इक्वल टू जीरो। ये सी एफ निकाल रहे हैं ना, पूरक फलन। पूरक फलन निकालने में दाहिने तरफ राइट हैंड साइड में जीरो रहेगा, ये रख दिया। चलिए अब क्या करेंगे? बोर्ड साफ करेंगे, साफ कर दिया। जो नहीं लिख पाए, अच्छा अच्छा लिख लो बच्चों, लिख लो, कोई जल्दी नहीं है हमें, आपको जल्दी नहीं होना चाहिए। जो नहीं लिख पाए थे उनके लिए लास्ट लाइन छूट गई थी, ये समीकरण लिख लें, बोर्ड साफ हो गया, आगे भी फिर देखने को मिलेगा। ये देखिए ए एन एक्स पावर रो प्लस एन, इतने गुणांक किसके साथ जुड़ेंगे? ये सबसे मुश्किल काम होता है, हमने इसको काफ़ी सॉल्व करने की कोशिश की है, और आप लोग भी इसको सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। माइनस ए एन, वहाँ माइनस लगा हुआ, माइनस लग गया ये। थोड़ा इसको और आगे बढ़ें, ले लीजिए, नोट करें इसको। ये समीकरण थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर आप इत्मीनान से नोट करेंगे कि रो है, रो प्लस एन है, रो प्लस एन माइनस वन है, रो प्लस एन है, बस रो प्लस एन माइनस वन, यही आपको घुमाता रहेगा। घूमिएगा नहीं, रो प्लस एन को कॉमन लेंगे तो ये देगा रो प्लस एन प्लस वन होल स्क्वायर एक्स पावर रो प्लस एन माइनस ए एन रो प्लस एन होल स्क्वायर एक्स पावर रो प्लस एन माइनस वन। ये आपको सिंप्लीफाई होके मिल गया। नहीं आया समझ में? चलो इक्वेट कर दीजिए जीरो, अभी मत करिए, पहले इक्वेशन लिख लीजिए। ऊपर के समीकरण को सिंप्लीफाई करने पर ये मिलेगा, ऐसा मान लीजिए। आपको नहीं आ रहा है, नहीं सॉल्व हो रहा है, पहले मानिए कि मेरा सॉल्व हो गया, ये आ गया। अब वही चीज़, वही कहानी, जीरो के बराबर कोफिशियंट को कर दीजिए, हम भी कर देते हैं सर। चलिए करिए, क्या आया बताएं? देखो
ये आ गया पहला, एन को जीरो रखो। क्या रखें सर? एन को जीरो, तो आएगा ए जीरो रो प्लस एन प्लस वन, आगे आएगा ए जीरो रो प्लस जीरो होल स्क्वायर, तो होगा ए जीरो रो स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये माइनस के बाद जो है उससे आएगा ये ए स्क्वायर ए जीरो रो स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दूसरा क्या आएगा, इससे क्या मिला, ए जीरो तो जीरो हो नहीं सकता, तो रो स्क्वायर जीरो हो गया। रो स्क्वायर जीरो हुआ तो क्या मिला, दो वैल्यू रो वन और रो टू। इसको सॉल्व कर लिया हमने, पहले स्टेप में सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है कि रो की वैल्यू हम पाएं। पहला समीकरण बनाया, उसको जीरो के बराबर किया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाएं, बोर्ड साफ करके आगे बढ़ें। रो इक्वल टू जीरो रख दीजिए। ये देखिए हमने रो की जगह जीरो रखने की कोशिश की है, आप भी रखिए। यहाँ भी जहाँ जहाँ रो है उसको जीरो रख दीजिए, कुछ नहीं करना है, रो को जीरो रखते चले जाइए। एक दो तीन चार, पहले समीकरण में इसके पहले जो था उसमें चार जगह रो था, चार जगह जीरो रख दिया, सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई होने पर ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन आ गया। ए जीरो को वन ले लेंगे, ए एन को वन आ जाएगा, वन 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 साफ आर आ लेना जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। अब ये सोल्यूशन सिंपल हो गया, पुटिंग वैल्यूज इन थ्री, वन सोल्यूशन इज वन प्लस एक्स स्क्वायर। सब सब ये जितने थे, रो जीरो हो गया, ए जीरो वन, ए टू ए वन, ए थ्री सारे कोफिशियंट वन, तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल हो गया ये ज़्यादा बच्चे परेशान न हो। अगर आपने पढ़ा हो तो इसकी वैल्यू होती है समेशन वन माइनस एक्स पावर माइनस वन, और इसको भी समेशन एक्स एन भी हम लिख सकते हैं। ये आपको भी मिल गया, इसको जरूर देखें, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब को हमने कैसे सॉल्व किया सॉल्यूशन बी में। हो गया, आगे बढ़ें? नहीं सर, थोड़ा पीछे रहिए। ये लीजिए, पीछे रहेंगे, बी नोट कर लें। नोट कर लिया सर, आगे बढ़ जाएं। ये हमें समीकरण दिया गया है, ए एन बराबर है, इसलिए डेल वाई अपॉन डेल रो, रो के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, अवकलन निकाला गया है। अवकलन कितना आया, ए पावर एक्स, ध्यान दें ए पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ए पावर एक्स लॉग एक्स। इसी तरह यहां पे रो एक्स पावर रो का डिफ्रेंशिएशन रो के रिस्पेक्ट में होगा एक्स पावर रो इंटू लॉग एक्स। समेशन रन करेगा वही एक्स पावर एन पे, समेशन एक्स एन को हमने वन माइनस एक्स पावर माइनस वन कहा है। तो ये जो समेशन दिख रहा है इसके पहले देखिए, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लॉग एक्स रहेगा, एक्स पावर रो रहेगा। समेशन एक्स एन जो है, ये जो समेशन एक्स एन है, ये सिंप्लीफाई होकर के पीछे जैसा है वन माइनस एक्स पावर माइनस वन हो जाएगा। कुछ लोग इसको नीचे उतार देंगे, उतार देने दीजिए। हेंस द सेकेंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इज, दूसरा हल इसका मिलेगा वाई टू, रो को जीरो रखने पर, रखिए जीरो, डेल वाई डेल रो, रो को जीरो किया, जीरो करने पर क्या आया, लॉग एक्स, एक्स पावर जीरो, समेशन एक्स एन, एक्स पावर जीरो की वैल्यू वन हुई, वैल्यू आई लॉग एक्स, वन माइनस एक्स पावर माइनस वन है, उसको नीचे लग दिया वन अपान एक्स। ध्यान रखें y1 निकल चुका है, y2 निकाल चुके हैं, दो डिपेंड सोल्यूशन मिल चुके हैं, तो cf होगा a इंटू वाई वन प्लस बी इंटू वाई टू, ए इंटू वाई वन प्लस बी इंटू वाई टू, पूरक फलन आपके बोर्ड पे आ गया है a अपान वन माइनस एक्स प्लस बी इंटू लॉग एक्स अपान वन माइनस एक्स। ये आपका पूरक फलन मिला आज के क्वेश्चन का। अगला पर्टिकुलर सोल्यूशन पीआई निकालने के लिए वही हल जो आपके दिया है, वाई को रखेंगे, थोड़ा स्पीड में चलें, ये वाई आपके पास पहले से बैठा हुआ है,
इस वाई को समीकरण एक में रखने पर, जो हमने रिलेशन निकाला है लिख लें, हमें समीकरण में रखने पर ए एन इक्वल टू एन माइनस वन, ये निकाल चुके हैं पीछे, जो लिखना है आपको ये तो हम पीछे निकाल चुके हैं, आपने भी निकाला है, आपकी कॉपी में लिखा है, इनको रख दीजिए। कहाँ पे रखें? ए ज़ीरो रो स्क्वायर एक्स पावर रो माइनस वन इक्वल टू फोर एक्स, ये आपको मिला। इसको थोड़ा फास्ट लिख लें, फिर हम इसका डिस्कशन डिटेल में करेंगे आपसे, अभी आप इसको नोट कर लें। ऐसा मान के चलें कि जो हम पीछे के, जब आप पीछे देखेंगे इसी क्वेश्चन में सी एफ निकालते समय तो सारी कंडीशन आई हुई है। आगे बढ़ लें, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्या मिला इस रिलेशन में, जो पीछे रिलेशन है देखिए, ये जो लास्ट में है ए जीरो रो स्क्वायर एक्स पावर रो माइनस वन, यहां कह रहे हैं अगर हमें फोर एक्स चाहिए बच्चों, फिर से बच्चों से कहूंगा कि अगर आपको लेफ्ट साइड में बाएं तरफ फोर एक्स चाहिए, दाहिने तरफ फोर एक्स है, बाएं तरफ फोर एक्स के लिए चाहिए, तो एक्स पाने के लिए रो को दो रखोगे, टू रो इक्वल टू टू रखा तो एक्स आ गया, और रो का स्क्वायर जो है फोर हो गया तो फोर एक्स, लेकिन माइनस ए जीरो है तो ए जीरो को क्या रखेंगे, यही यहां बताया गया है। आप समझ गए होंगे, अगर हम रो को टू ए जीरो को माइनस वन रख दें तो हमें इक्वेशन वन का सोल्यूशन ये मिल जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू समेशन एक्स एन, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपान वन माइनस एक्स। ये पीआई पीछे से हीट एंड ट्रायल से मार लिया है, कर लिया है जल्दी से, और अच्छा नहीं लिख पाए बच्चे, लिख लो लिख लो, पीआई ये आ गया आपका। आगे मुझे ज़्यादा नहीं बताना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपान वन माइनस एक्स, ये देखिए सोल्यूशन क्या होता है, सी ए प्लस पी आई, ए अपान वन माइनस एक्स प्लस बी लॉग एक्स वन अपान वन माइनस एक्स एक माइनस एक्स स्क्वायर अपान वन माइनस एक्स, ये कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। लाइन आ गई, लाइन आते ही आप लोग समझ गए होंगे, नहीं लिख पाए लिख लो लिख लो बच्चों, आपकी कॉपी में लिखा हुआ, दोनों को कंबाइन कर देना है सी एफ ओ पी आई को, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान न हो। अब कुछ क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन पीछे के देखे हुए हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लें, क्योंकि यहाँ अलार्म बज रहा है कि सर आपने बच्चों को बहुत पढ़ा दिया, इसलिए आप आगे बढ़ें। नहीं नहीं बच्चे अभी नोट करना चाह रहे हैं, जल्दी जल्दी दौड़ा देते हैं, बच्चों को दौड़ाना नहीं चाहिए लेकिन दौड़ाते हैं, क्या करें, यहाँ पे हमारे टेक्नीशियन जो है वो कहते हैं सर आपका टाइम हो रहा है, दूसरे टीचर दूसरे बच्चे आएंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम जो नोट कर लें, आपको किताबों मिल जाएगी, फिर हम कभी डिस्कस करेंगे आपसे अगला डिस्कशन। ओहो जी, आ जाएं भाई टेक्नीशियन, क्वेश्चन एंड आंसर, कोई क्वेश्चन हो बच्चों पूछें, थोड़ा आपको दौड़ना पड़ा, लिखना ज़्यादा था इसलिए दौड़ाना पड़ा बाद में सेकेंड क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में तो हमने कोशिश की कि आप स्लो मोशन में चलें, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो हम आपको इसे घुमाएंगे, क्वेश्चन तो पूछना पड़ेगा। हाँ आ गया बच्चा, आया, बहुत बढ़िया। आवाज आई लेकिन कहाँ से आया? पन्ना से, बिल्कुल पन्ना से जुड़ा है, आप बता। हेलो सर जी। हेलो सर, मैं पन्ना से बोल रही हूँ। माय क्वेश्चन इज, जो आपने क्वेश्चन बताई ये उसमें जीरो डज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लेते हैं? हाँ मेरे बच्चे, हाँ बिल्कुल सही, अब आगे पढ़ लें थोड़ा सा, है क्या कि ये हमें पूर्व ज्ञान से पता है। हाँ सुने पहले, हो गया, मैं आपको क्वेश्चन समझ गया, बच्ची पन्ना से बच्ची बोली है ग्रीन टी शर्ट में, मैं सुन रहा, नाम नहीं बताया, कोई बात नहीं, पहले सुनिए कि हम जब एक घात के समीकरण की बात करेंगे तो एक गुणांक हमें आना चाहिए, एक गुणांक लेना पड़ता है। ये समीकरण दो घात का था, अगर आपने देखा होगा दो घात का समीकरण डी टू आई, तो यहां पे दो गुणांक हमें चाहिए होता है, दो अचर राशियां हमें अपने आप खोज करके लानी पड़ती हैं, तो उनको हम एक को ए जीरो कह देते हैं, एक को और नाम दे देंगे,
हम ए जीरो को जीरो इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसको अचर राशि है, अचर राशि नहीं बल्कि क्या कहेंगे कांस्टेंट नंबर है। दो घात के समीकरण के लिए दो कांस्टेंट जो जीरो नहीं हो उनको लेना पड़ता है, इसलिए ए जीरो को नॉन जीरो या अशून्य संख्या ली है। ये समीकरण हल करने का तरीका है। अगर अवकल समीकरण एक घात का है तो एक नॉन जीरो, दो घात का है तो दो नॉन जीरो, तीन घात का है तो बच्ची बताओ जरा सा कितने नॉन जीरो लेंगे? तीन सर। तीन, देखो आंसर भी आ गया, बच्ची समझ गई, चार, चार नॉन जीरो। बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया, बच्ची को समझ में आया, बैठ जा बच्ची। और दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कहीं से देखते हैं। हाँ ये टिमरनी हरदा वाले कुछ पूछना चाह रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं रहे, केवल पूछना चाह रहे हैं सर, हम तो बोलेंगे नहीं, आप बोलेंगे नहीं तो हमारे प्रशासन एकेडमी की घड़ियां जो है वो राइट टाइम चलती हैं। लीजिए लीजिए क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? हेलो हेलो दा, हाँ चलिए, दुर्गावती मंडला, बहुत बढ़िया, दुर्गावती मंडला का स्वागत है। हेलो हेलो सर, सर मैं मंडला से बोल रहा हूँ सर, मेरा क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन फर्स्ट था यहाँ, वहाँ पर माने थे ए जीरो बराबर माइनस वन और फिर बाय वन एक्स निकला था, वहाँ रख दिए थे, तो वहाँ सर माइनस वन क्यों लिए सर? हाँ आप देखिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन, आप यही क्वेश्चन सेम एक बच्चे ने पूछा था, पहले पन्ना दूसरा, ए जीरो को माइनस वन बच्चे इसलिए लिए कि अपनी सुविधा के लिए, अगर आप ए जीरो को माइनस टू ले लोगे, माइनस थ्री ले लोगे, माइनस फोर ले लोगे, सेवन ले लोगे, वन अपॉन टू ले लोगे, कुछ भी ले लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका जो समीकरण का हल है वो सीधा सीधा दिखे, अगर ए जीरो को वन अपॉन अंडर रूट थ्री ले लेंगे तो बच्चे घूम जाएंगे, सर ये क्या हो रहा है, अंडर रूट कैसे आ गया? तो ये अपनी मान्यता है, मैथमेटिशियन की मान्यता होती है, इसलिए हम उसको अपनी सुविधा के अनुसार ऐसा लेते हैं कि जिससे जो हमारा एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, वो सीधा हो जाए, सरल हो जाए, इसलिए लिया जाता है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी थ्योरी अगर देखेंगे तो है, गणितज्ञों ने ए जीरो को माइनस वन लिया है इसलिए हम इसको माइनस वन लेते हैं। अगर आपका नाम मैं नहीं समझ पाया, रमेश जी अगर हैं आप ए जीरो को वन अपॉन टू ले लें, वन अपॉन टू ले लेंगे तो सब आपसे नाराज हो जाएंगे, अरे यार तुमने ऐसा ले लिया कि टेढ़ा मेढ़ा हो गया। आया समझ में? सर माइनस वन लिए तो सर वहां पर फिर माइनस का गुणा भी होगा सर जी, सर यदि माइनस वन लेंगे तो सर वहां माइनस वन का गुणा होगा सर? हाँ माइनस वन का गुणा हो जाएगा, बिल्कुल, साइन चेंज हो जाएंगे सर, तो साइन वहां चेंज नहीं हुए सर? बिल्कुल साइन चेंज कर दीजिए, हो सकता है, देखिए अब मैं बता, बिल्कुल आपको क्वेश्चन में समझ गया कि जो कंप्यूटर जी है हो सकता है कहीं माइनस प्लस की गलती कर दिए हो, माइनस प्लस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया, माइनस प्लस की अगर कहीं गलती हुई है तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, अगली क्लास में आपसे जरूर बात करेंगे। मंडला से दुर्गावती से नाम क्या है बच्चे का? सर संदीप चौरसिया सर। संदीप जी अगली क्लास में हम बताएंगे कंप्यूटर जी ने कहां गलती कर दी थी, कहीं प्लस माइनस की गलती हो गई होगी, हम उसको जरूर रेक्टिफाई करेंगे आपसे। थैंक यू, ओके। लो भैया अब आप लोग नहीं पूछोगे तो हम आपको धन्यवाद दे देते हैं, ये देखो बच्चे खुश हो गए। चलो सर आपसे जान बची, बाय बाय टाटा। अरे ठीक से नहीं दिखा सर, थैंक यू, आप बढ़िया से किया करिए, लीजिए थैंक यू, बढ़िया से कर दिया, हाँ लीजिए थैंक यू, बार बार आपके पास आ जाएगा ये थैंक यू, दौड़